तुम्हारे साथ गद्दारी की हुई आदमी है उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग। अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं, आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में, अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है क्योंकि आज वो देश की जरूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं जहां के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में दो बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे, उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलने मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में काम करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।